Hello students, class 6, this is Veena ma'am and I'm here with short question answers of chapter 4, the first cities. So children, first question is, what is civilization? A civilization is an advanced society with agriculture, division of labor, organized cities, multiple religions, science and technology, written language and some forms of government. Second question. Children, आपको ये चैप्टर में मैं सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छे से, सिविलाइजेशन और सब कुछ. ओके, तो सिविलाइजेशन क्या है? एक एडवांस सोसाइटी थी और है. सिविलाइजेशन कंटिन्यू चलती रहती है. तो ये एडवांस सोसाइटी है जिसमें एग्रीकल्चर है, डिविजन ऑफ लेबर है, ऑर्गेनाइज सिटीज है, बहुत सारे रिलीजन्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं, वो भी रिटन फॉर्म में हैं और गवर्नमेंट की फॉर्म्स हैं. तो सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वॉज द ग्रेट बाथ? ग्रेट बाथ क्या था? ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज ऑबलॉन्ग स्ट्रक्चर दैट वॉज यूज ऑन रिलीजियस फेस्टिवल्स और ओकेजन्स. नंबर थ्री, व्हाट वॉज द सिटाडल? द सिटाडल वॉज अ पार्ट ऑफ द सिटी दैट वॉज बिल्ट बिल्ट ऑन अ raised ground and occupied by ruling class. Number 4, what was lower town? Lower town kya tha? Jaise ki maine aapko explain kiya tha ki the city was divided into two parts, number 1 citadel and second on lower town. To citadel to raised ground par bana hua tha, mount par, aur lower town kya tha? Wo lower heights par bane hue the aur jin pe ki jiska area bada tha और जो कॉमन पीपल थे उनके घर और छोटी बिल्डिंग्स वहां पर बनी हुई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू सील्स इन्फॉर्म अस अबाउट? सील्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं? द सील्स इन्फॉर्म अस अबाउट आर्टिस्टिक स्किल्स, ट्रेड कॉन्टैक्ट्स, ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, रिलीजियस बिलीव्स एंड द स्क्रिप्ट ऑफ हरप्पन पीपल. जो सील्स हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं? उस टाइम की आर्टिस्टिक स्किल यानी कि कलाकारी के बारे में, कला कौशल के बारे में, ट्रेड कॉन्टेक्स व्यापार और जो व्यापारिक संबंध लोगों के थे उस टाइम पर, ड्रेस ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी, धार्मिक जो लोगों के विश्वास थे, रिलीजियस बिलीव्स थे, अलग अलग धर्मों को कि किस धर्म को मान रहे हैं, किस देवता को मान रहे हैं, एंड द स्क्रिप्ट ऑफ हरप्पन पीपल. उस टाइम के लोग कौन से स्क्रिप्ट यूज करते थे, इन सभी के बारे में ये सील्स हमें बताती हैं. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई वर ब्रॉन्ज टूल्स यूज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? एग्रीकल्चर में ब्रॉन्ज टूल का यूज क्यों होता था? ब्रॉन्ज टूल्स यूज इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बिकॉज दे वर मच हार्डर. सो दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6, दिस इज वीना मैम एंड आई एम हियर विद योर एसएसटी पीरियड एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 4 द फर्स्ट सिटीज. एंड टुडे वी आर डूइंग द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड सिविलाइजेशन टेक प्लेस? सिविलाइजेशन कैसे प्लेस लेती है? सो आंसर इज इन 3 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज, द डेवलपमेंट ऑफ टाउन कल्चर इज जनरली व्हाट इज सीन एज द बिगिनिंग ऑफ ए सिविलाइजेशन. सबसे पहली बात है कि सिविलाइजेशन की बिगिनिंग हम किसको मानते हैं, कि जब टाउन कल्चर होना शुरू हुआ था, टाउन बनने शुरू हुए थे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सिविलाइजेशन. सेकंड इज, सिविलाइजेशन डिस्क्राइब्स अ कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ दैट केम अबाउट एज पीपल बिगेन टू डेवलप नेटवर्क ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स. और जब उन्होंने अपने अर्बन सेटलमेंट शुरू किए, शहर वगैरह बसाने, टाउन से ज्यादा शहरों का उन्होंने डेवलपमेंट करना शुरू किया, वो सिविलाइजेशन का एक और वे था. द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड बिटवीन 4000 और 3000 BCE व्हेन द राइज ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड अलाउड पीपल टू हैव सरप्लस फूड एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो इन्होंने जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया और सरप्लस में करना स्टार्ट किया, उसको स्टोर करना शुरू किया, तो वो भी क्या था, सिविलाइजेशन का एक पार्ट था कि सिविलाइजेशन ने कैसे प्लेस लिया. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड? टू विच प्लेसेस डिड इट एक्सटेंडेड? एंड नेम सम इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन.
So answer of first part is Indus Valley civilization flourished between 2500 to 1500 BC. Second, it was extended eastwards from the Iran to Delhi, southwards to the Godavari River. And next point is some important sites of Indus Valley civilization are Mohenjo-daro, Harappa, Mehergarh, Dholavira and Lothal in Gujarat, Rakhigarh and Banwali in Haryana, Ropar in Punjab, Kalibangan in Rajasthan, and Alamgirpur in Uttar Pradesh. Now the third question is, how did the town planning of Harappan culture distinguish it? So children, its answer is in your book, and we have to write same in point wise. Dekhiye, town planning exercise ka third long question. The Harappan culture is, isko points mein likhenge aap. First point, the town Harappan culture is distinguished by its system of town planning. The general layout of Harappan cities like the Harappa and Mohenjo-daro, Kalibanga and Rakhigarh is similar. ठीक है, second point आ जाएगा यहाँ से. To the west of each was the citadel fortified by crenellated walls. The citadel was usually based on a mount or at an elevated position. It was possibly occupied by the members of ruling class. ये है आपका second point. Third point, the older part called the lower town was at a lower height but much bigger in area. It had small buildings and houses of its common people. तो ये answer आपका है third question का. Now fourth question is, ये 4-5 में अभी आपको दे रही हूँ, 6 क्वेश्चन का आंसर भी आप अभी यहीं देख लीजिए. हाउ डिड द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड, इसका सेम ये हमको लिखना है. देखिए पेज नंबर 86 पर है आंसर, द एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. ओके, तो ये पूरा हमको सेम लिखना है. द एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. The reasons are, the reasons are, डैश लगाकर आप लिखेंगे. नंबर वन ये है, ये नंबर टू है, और ये नंबर थ्री है. ओके, और ये नंबर फोर है. ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा आपका आंसर. ओके, एंड फोर एंड फाइव आई एम गिविंग. क्वेश्चन नंबर फोर इज, Why was the Great Bath a masterpiece of engineering skill? Great Bath engineering skill का masterpiece क्यों है? तो the Great Bath was a masterpiece of engineering skill because it was made of bricks and covered with natural tar. There were steps on either sides to let the bath. Its dimension was 55 by 35 meters. Bathing pool 11.7 by 6.9 by 2.4 meters respectively. लेंथ, ब्रीथ एंड डेप्थ. इट मीन्स कि 11.7 उसकी लेंथ थी, 6.9 मीटर उसकी ब्रीथ थी, 2.4 मीटर उसकी डेप्थ यानी गहराई थी. एंड द लास्ट पॉइंट इज, इट इज यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पस. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए. क्वेश्चन नंबर फाइव, डिस्कस अबाउट द लाइफ ऑफ हरप्पन पीपल. तो इसका आंसर यही आपकी बुक में पेज नंबर 84 पर, सी द लाइफ ऑफ पीपल. एंड वी हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन पॉइंट वाइज. फर्स्ट पॉइंट, द सिटीज वर प्रोबेबली एडमिनिस्टर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्टिंग ऑफ मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट. सेकेंड पॉइंट, देयर वर थ्री क्लासेस ऑफ पीपल. द रूलिंग क्लास कंसिस्टिंग द रिच मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट लिव्ड इन सिटाडल्स. थर्ड पॉइंट, The second group consisted of petty merchants, artisans and craft people. They lived in the lower town. Fourth point, the workers and the laborers lived in small herds in the outer circle of the city. Fifth point, agriculture flourished in the civilization. Sixth, domestication of animals was also practiced by them. Animals like dogs, sheep, goat, pigs and asses were domesticated, but horses were not known to them. The main crops, this seventh point here, the main crops were wheat and barley. The people generally fond of milk, meat, fish and eggs, and banana was a popular fruit. So, ye sare question aapko karne hai notebook mein, and a neat and clean work you have to do. Okay.
Hello students, class 8. Today I am here with your very short question answers of chapter number 4, the very first city. So children, first question is, when did Indus Valley Civilization develop in India? When did Indus Civilization develop in India? So answer is 4700 years ago. Second question is, name some Harappan cities. कुछ हरप्पन सिटीज के नेम हमें बताने हैं. सो देयर आर मोहेंजोदारो, हरप्पा, मेहरगढ़, धोलावीरा, गुजरात एंड राखीगढ़ी, बनवाली, रोपर, कालीबंगा एंड आलमगीरपुर. सो एंड चिल्ड्रन हियर इट इज धोलावीरा, गुजरात. गुजरात नहीं है, दिस इज लोथल, एल ओ ई ए टी एच ए एल, गुजरात लोथल. ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्नामेंट्स डिड वुमन वियर इन हरप्पन सिविलाइजेशन. हरप्पन सिविलाइजेशन में वुमेन कौन से ऑर्नामेंट्स वियर करती थी? सो आंसर इज इयररिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेसेस, girdles, anklets and head dresses. What is the answer? Earrings, bangles, bracelets, girdles, anklets, head dress. Now fourth question is, name some ancient towns of Gujarat. Gujarat ke kuch ancient towns ke name. So Dholavira and Lothal are the most important and ancient towns of Gujarat. So these are the very short question answers.